ब्राइट सनशाइन आवर्स को दिखाता है, यानी तेज धूप कितनी देर रही है, ठीक है ना। इसमें ये लेंस है, स्फेरिकल लेंस है, 10 सेंटीमीटर का इसका वो है डायमीटर है, और इसके फोकस पे ये पेपर रखा हुआ है, ठीक है। और पेपर पे आप देख रहे हैं आवर मार्क लगे हुए हैं, एक एक घंटे पे ये लाइनें बनी हुई हैं और उसमें टाइम भी डाला हुआ है। सुबह हमने पेपर लगा लिया, सूरज इधर से निकलता है उस समय यहाँ जो है ये फोकस होता है, अगर तेज धूप है तो वो ये पेपर को जला देता है, अगर हल्की धूप है तो उसको ब्राउन कर देगा, ठीक है ना, और थोड़ी सी बीच की धूप है तो उसको थोड़ा ज़्यादा ब्राउन कर देगा, लेकिन अगर जैसे इस समय है तो ये पेपर को जला करके एक लकीर बनाता है। अच्छा, इस पेपर का ये है कि जिस पॉइंट पे जलेगा वहीं पे जलेगा, आगे नहीं जलेगा, मेरा कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि उस पर आग लग जाए और वो आगे बढ़ जाए, नहीं, एक लाइन जलाता उस जलता है, ठीक है। और दूसरा ये पेपर जो है बारिश में ख़राब नहीं होगा, इस पर बारिश पड़ती रहे पेपर खुलेगा, पेपर ऐसे ही रहेगा। अच्छा, तीसरी बात, इसके जो ये अलाइनमेंट है ये नॉर्थ साउथ में रखी हुई है, इधर नॉर्थ है ये साउथ है, बिल्कुल सही करना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से रिकॉर्डिंग चली हमने अगर बीच में करी या तो ये नीचे को चला जाएगा या ऊपर को चला जाएगा, तो बीचों बीच लाने के लिए हमें क्या करना है, इसको एक तो नॉर्थ साउथ की अलाइनमेंट सही होनी चाहिए, दूसरा इसकी अलाइनमेंट, ये जो हमारा लगा हुआ है डी, इसकी अलाइनमेंट जो है लेटीट्यूड के हिसाब से, यहाँ पे एक निशान लगा हुआ है उसको, इसको नट ढीले करके इसकी अलाइनमेंट करते हैं, जो यहाँ का लेटीट्यूड है वो लेटीट्यूड पे इसको फिक्स, यहाँ पे देखो मार्क बने हुए हैं तो उसका लेटीट्यूड फिक्स कर, ठीक है ना, ये मार्क लगे हुए तो यहाँ पे जो 31 डिग्री कुछ है, हाँ तो इस लाइन के सीन में 31 जो है हमने कर दिया, तो उससे अगर अलाइनमेंट बिल्कुल सही है तो पेपर बिल्कुल ये बीचों बीच चलेगा। और उसके बाद क्या है कि रात को हम चढ़ा देते हैं, ठीक है, सुबह फिर मतलब सुबह चढ़ाने की जरूरत नहीं होती, जब भी सनराइज होगा अपना फिर अगले दिन ऐसी शाम को उतार देते हैं, ठीक है। बोलेंगे यार सनशाइन क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम सनशाइन रिकॉर्डर, हाँ वो ये क्या है, ब्राइट सनशाइन आवर्स को बताता है कि दिन भर में तेज धूप कब रही है, फिर उसके बाद हम टेबुलेशन करते हैं, हमारे पास टेबल बनी होती है आवर मार्क्स उसमें लिखे होते हैं, कलर वेरिएशन से पता चल जाता है, नहीं कलर का ज़्यादा नहीं, हमने सिर्फ ये देखना है कि पेपर का कितना पोर्शन जला है, मतलब अब जैसे ये है